Question number 21. Evaluate integration x square by x square plus 1 into x square plus 4 dx. So first of all, let I equal to integration x square by x square plus 1 into x square plus 4. तो इसमें हम सबसे पहले इसमें इस एक्स स्क्वायर को लेट ले लेते हैं, पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी. सो वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर equal to t upon t plus 1 t plus 4. और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे. लेट t अपॉन t प्लस 1 टू टी प्लस फोर, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा ए अपॉन टी प्लस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस फोर. और इनका एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, ये टी प्लस वन इंटू टी प्लस फोर, तो इसका न्यूमरेटर होगा ए इंटू टी प्लस फोर प्लस b इंटू टी प्लस वन और लेफ्ट साइड में t, और बोथ के डिनोमिनेटर कैंसिल होगा. सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट. और अब हम इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें पुट कर देंगे. तो उसके लिए पहले हमें नाउ टेकिंग टी प्लस वन इक्वल टू जीरो, सो टी इक्वल टू माइनस वन. अगर हम टी प्लस वन जीरो ले रहे हैं तो इससे ए की वैल्यू फाइंड होगा, और अगर टी प्लस फोर इक्वल टू जीरो लेंगे तो इससे बी फाइंड होगा. एंड पुटिंग टी इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन फर्स्ट, सो वी गेट ये होगा माइनस वन इक्वल टू ए इंटू माइनस वन प्लस फोर. और इस पार्ट में हमें पुट करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पे टी प्लस वन जीरो हो जाएगा. सो माइनस वन इक्वल टू ए इंटू थ्री, सो ए इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री. तो इस तरह से हमारा ए की वैल्यू फाइंड हो गया. And again, taking t plus 4 equal to 0, so t equal to minus 4, और इसको हम पुट करेंगे, इसको भी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इससे b की वैल्यू फाइंड होगा. माइनस फोर इक्वल टू बी इंटू माइनस फोर प्लस वन, माइनस थ्री. तो इसमें ये माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, सो बी इक्वल टू फोर बाय थ्री. और अब हम ए और बी की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे. सो देयरफॉर टी अपॉन
टी प्लस वन टी प्लस फोर इक्वल टू ए की वैल्यू आई है माइनस वन बाय थ्री अपॉन टी प्लस वन, फोर बाय थ्री अपॉन टी प्लस फोर, और टी हमने लेट लिया था एक्स स्क्वायर को, तो ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर। एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सो देयर फोर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस वन बाय थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस, और इस फोर को लिख देते हैं टू स्क्वायर। और अब हम इंटीग्रेशन को टर्म वाइज सेपरेट कर लेते हैं, तो ये होगा माइनस वन बाय थ्री टू इंटीग्रेशन वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस फोर बाय थ्री इंटीग्रेशन वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री, और इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस फोर बाय थ्री, और इसका होगा वन बाय टू टेन इनवर्स एक्स बाय टू, सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ये होता है। इसमें टू से कैंसिल होगा, सो इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस टू बाय थ्री टेन इनवर्स एक्स बाय टू प्लस सी आंसर।